नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर के 121 देशों में मनाया जा रहा है। योग जीवन में से शामिल कीजिए और रोग से दूर रहिए। लेकिन और आप ज्यादा लेट कर भी सकते हैं, क्योंकि आप शायद डेली योगा करते भी हैं। करता हूँ, मतलब डेली नहीं, लेकिन हाँ करता हूँ। लेकिन आज एक और चीज है, कल देखिए योग में भी ये होता है, उठा पटक, कभी लेटे कभी उठे कभी बैठे, यानी बाजार से आप देखते हो। कल ऐसे ही हुआ, देखिए कल की एक्सपेक्टेशन थी, कल सुबह सुबह हम चिंतित थे, राजन ने एग्जिट कर दिया, क्या होगा यहाँ से, बैंक निफ्टी यहाँ से, निफ्टी यहाँ से, बाजार कहाँ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए मिड सेशन तक ऐसा लग रहा था कि एग्जिट को बाजार ने एग्जिट कर दिया। और FTI अगर आप देखें, जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की दूसरी कड़ी कल चली, उसको बाजार ने अगर आप देखें रिस्पेक्ट दी, मार्केट्स डिहाइड बन गए। लेकिन आज क्या होगा, शुरुआत करते हैं SGX निफ्टी से। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वक्त 15 अंकों पर 8257 की डिजिटरी में कारोबार कर रहा है। कल देखिए बाजार के साथ दो चीजें थी, पहली चीज ब्रेग्जिट को लेकर फर्स्ट एक घंटे में डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके बाद बाजार को यह भनक लग रही थी कि ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन अब यूरोजोन से एग्जिट नहीं होगा। वहां के कुछ लोकल पोल्स ने उसने बाजार को कंफर्ट दिया। 2 बजे खबर आ गई, ठीक 2:10 पे FTI 9 क्षेत्रों को जिसने प्रभावित किया, उस खबर ने बाजार को डीआई पर खड़ा कर, यानी ब्रेग्जिट के मोर्चे पर बाजार को राहत। ये हमारी अप्रोच रहेगी आज की। निफ्टी बैंक में तेजी अभी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए विद डिसेंट स्टॉप लॉस। कल की तेजी को बाजार में अगर आप देखें, जो 100 अंकों का बेस है वो शिफ्ट हुआ है, यानी हमारा बेस थोड़ा सा ऊपर खिसका है। निफ्टी के लिए अब 81.50, 81.40, ये ट्रेडर्स के लिए बेस शिफ्ट होकर ऊपर आया है। 8000 टूटने का डर केवल ब्रेग्जिट की संभावनाओं के बीच में है, जिसकी शायद फॉर द टाइमिंग हम संभावना नहीं तलाश रहे हैं। 8290-8310 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन याद रखिए अगर ये पार हुआ तो बाजार में अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। निफ्टी बैंक आज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकता है। 23 जून से पहले फ्यूचर्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ऑप्शंस पे कैपिटलाइज कीजिए। वैसे भी कल जो रिफ्लेक्शन देखा इंटरनेशनल मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में, जिस तरह का रुझान रहा, वो महज एक रिफ्लेक्शन था इन खबरों का कि जो लोकल पोल आया कि शायद ब्रेग्जिट पर ब्रिटेन एग्जिट नहीं होगा, महज 30% ऐसे वोट्स पड़े जो चाहते हैं कि एग्जिट हो, लेकिन 70% मानते हैं कि, या फिर 70% की सोच यही है कि ब्रिटेन एग्जिट नहीं होना चाहिए और वो उसके फेवर में नहीं है। तो ये महज एक रिफ्लेक्शन था जिसका एक हमने काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन देखा, और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ब्रिटेन एग्जिट नहीं होगा तो एक अच्छी रैली इंडियन मार्केट्स में देखी जा सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पर जो डेटा है या फिर जो डेवलपमेंट्स है वो काफ़ी पॉजिटिव रही हैं। तो एक अच्छी सिनेरियो यहां से इमर्ज हो सकता है, लेकिन इस वीक के बाद वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। आज के लिए कह सकते हैं कि क्यूज ठीक ठाक हैं। प्रिसाइसली यूएस मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव रहा है, यूरोपियन मार्केट्स में 3-4% की बढ़त हमने कल के सत्र में देखी, लेकिन ओवरऑल क्यूज क्या है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं रजत के पास। रजत, क्या इंडिकेशन मिल रही है? बिल्कुल, जोरदार खरीदारी थी कल अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट में तो रफ्तार बहुत तेज थी, 3% से ज्यादा के रिटर्न्स कल डैक्स, कैक और फुटसी में आते हुए नजर आए। जिस पोल के बारे में आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली उससे अब कहीं ना कहीं संकेत मिल गया कि संभावना बहुत कम हो गई है यूके की EU से बाहर निकलने की, तो एक ये बहुत बड़ा ट्रिगर वर्ल्ड मार्केट से समझा। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट्स तो चली, साथ ही साथ क्रूड में जिस तरीके का परफॉर्मेंस था, 3% के आसपास क्रूड इजाफा करता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग खरीदारी कल अगर अमेरिकन मार्केट में हुई तो वो एनर्जी स्टॉक्स पे होती हुई नजर आई, ऊपर से डॉलर टूट गया, पाउंड में 2% के रिटर्न कल इंट्राडे बेसिस पे आते हुए नजर आए। तो अक्रॉस द ग्लोब खरीदारी थी, इक्विटी मार्केट कॉमोडिटी और पाउंड में निचले स्मार्ट पुल बैक देखने को मिला। इनफैक्ट जो फुटसी ने रिटर्न दिए वो अगस्त 2015 के बाद सबसे बड़ी रैली थी, 3% से ज्यादा की रैली कल इंट्राडे बेसिस बनती हुई नजर आई। और आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुए इतनी सॉलिड खरीदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बायस पॉजिटिव है ज्यादातर मार्केट्स का। इनफैक्ट चाइना लगातार लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर रहा है रिवर्स रेपो के जरिए, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। चाइनीज मार्केट में ज्यादा तेजी है नहीं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन स्पेस जो है वो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है बेहतर शुरुआत आज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। के सुब्रमण्यम भी हमारे साथ मौजूद है, पहला एक कमेंट उनका ले लेते हैं इंडेक्स पर। सुब्रा, गुड मॉर्निंग। कल एक अच्छी तेजी इंडियन मार्केट्स में रिफ्लेक्ट हुई, खासतौर पर सेकेंड हाफ में एक अच्छी मजबूती लेकर भारतीय बाजार क्लोज हुए। आज के लिए जो इंडिकेशंस इंटरनेशनल मार्केट से मिल रही हैं वो भी पॉजिटिव हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की अप्रोच इंडेक्स पर यानी निफ्टी पर क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग दीपाली, आई थिंक कल जो भी हमने रैली देखी, ऑब्वियसली ब्रेक्सिट को लेके जो भी पॉजिटिव एक एक्सपेक्टेशन है, उसके चलते हमने ग्लोबल बाजार और उसके चलते हमारे भारतीय बाजार में भी हमने तेजी देखी। लेकिन मेरा मानना है कि शायद वापस 8300 के आसपास यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है, क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो आई थिंक कल के दिन भी FIS की बिकवाली थी, इंडेक्स फ्यूचर्स या देखिए या तो फिर कैश में देखिए, यहाँ पर बिकवाली थी। तो मूड अभी भी कॉशियस है, और मेरा मानना है कि शायद एक
मामूली सी बढ़त से खुल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा मौका मिल सकता है और उसका फायदा उठा के एक बार जो भी यहाँ पर बढ़त मिलेगा उसका फायदा उठा के एक बार एग्जिट करें। लेकिन वीरेन, अगर इंडिया इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच देखें कल के सत्र की डेरिवेटिव्स में या फिर ऑप्शंस में, तो क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं? 8238 के स्तर पर जो निफ्टी क्लोज हुआ है, यहां से और मजबूत हो सकता है? देखिए दिवाली जब जून की सीरीज की स्टार्ट हुई थी ना, तो दो डिफरेंट अगर आप देखें प्रोस्पेक्टिव निकल के आ रहे थे। उस वक्त FI लॉन्ग था, क्लाइंट शॉर्ट था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ब्रेक्जिट की तरफ बढ़े, पॉलिसी की तरफ बढ़े, FI भी शॉर्ट हो गया था। और आप देखिए कल भी FIs के 2107 करोड़ रुपए की वायदा कारोबार में बिकवाली है। कल अगर आप FIs के कैश मार्केट के आंकड़े देखें तो वहां पे उन्होंने 537 करोड़ की बिकवाली करी। कल सिर्फ क्लाइंट के अकाउंट में, कल सिर्फ DII के अकाउंट में अगर आप देखें बाइंग थी 724 करोड़ रुपए की। यानी FIs के डेटा फॉर द टाइम बीइंग शायद थोड़े से नेगेटिव हैं। आइए जरा FIs ने एग्जैक्टली वायदा कारोबार में क्या किया उसको देख लेते हैं। FIs इन डेरिवेटिव्स 1336 करोड़ रुपए के इंडेक्स फ्यूचर उन्होंने बेचा, यानी इंडेक्स पे वो अभी शॉर्ट गए थे, उन्होंने कवरिंग नहीं करी कोई यहां पर। 1054 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स ऑप्शन बेचा है, यानी राइटिंग हुई है, और करीब करीब 290 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा है। आई थिंक दीपाली ये वो एक स्टेज है, ये ऑलमोस्ट 23 जून 22 जून 21 जून से लेकर 24 जून के बीच में, जब आप ये देख सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए ब्रेक्जिट नहीं हुआ तो ये डेटा धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाय में बदल सकता है। मतलब डाउनसाइड नहीं है। आप देखिए ना कैसे पिछले हफ्ते हमने 8050, 8070, 8100 के रेंज से बाइंग देखी। तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि जो भी शॉर्ट्स हैं वो थोड़े से अब अनकंफर्टेबल हैं, उनमें कवरिंग आ सकती है। आइए जरा एक बार जरा ऑप्शंस के आंकड़ों पे आइए सीधे। पहले निफ्टी फ्यूचर्स दिखाइए, फिर ऑप्शंस के आंकड़ों पे आइए। एक्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा कि हुआ क्या। निफ्टी फ्यूचर्स अगर आप देखें, कल क्लियरली सिग्नल था यहां पर, करीब करीब 1131,000 ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, यानी फ्रेश बाइंग इमर्ज हो रही थी मार्केट्स में। बाजार कंफर्टेबल फील कर रहा था, बाजार को ब्रेक्जिट की टेंशन नहीं थी, बाजार को आर एग्जिट की टेंशन नहीं थी, बाजार को FDI रिफॉर्म्स की कड़ी अच्छी लग रही थी, दूसरी कड़ी जो कल शुरू हुई, तो कंफर्ट था। अब आइए आप ऑप्शंस पे जरा एक बार कॉल पुट के जो सीधे सीधे आंकड़े होते हैं वो दिखाइए। एग्जैक्टली कॉल्स में और पुट्स में क्या हुआ, अगर आप कॉल्स को देखें कल के सेशन में, ये रहा वो स्टैटिस्टिक्स। 8200 की कॉल शॉर्ट कवरिंग मंदड़िया बैकफुट पे, 8300 की कॉल मंदड़िया बैकफुट पे, और 8400 की कॉल में बाइंग हुई। अच्छे संकेत थे। अगर आप पुट्स को देखिए, सबसे बड़ा कंफर्ट ये था, 8200 के पुट में 9,00,000, 8100 के पुट में एक बार फिर से जो कॉन्फिडेंस बना है ना पुट राइटर का, वो अच्छा संकेत था। और 8000 के पुट में क्या हुआ, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, वो ये थी कि जिसको ये लग रहा था कि ब्रेक्जिट हो जाएगा, आर एग्जिट का अगर आप देखें, एग्जिट का बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जिसने 8000 की पुट लॉन्ग करी थी उसने कवर कर ली। तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 8150 8140 के स्टॉप लॉस के साथ एज पर दिस पुट ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स आप अपने लॉन्ग्स को होल्ड रखिए। दिवाली जैसे कि मैं कह रहा था ना आपसे कि ये डेटा थोड़ा सा अब शॉर्ट कवरिंग से फ्रेश बाइंग में शिफ्ट होगा। अगर ऐसा होना है याद रखिए 8290 और 8310, 8290 को काटना है, दैट मीन्स हम इस दौर के नए हाई पर जाएंगे। जब तक अगर वो कट गया किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 8290 8310, उसके बाद आप ये बिलीव करिए कि जून की इस सीरीज की क्लोजिंग में आप एक पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। तो एक चीज मैं ये भी कहूंगा, आप और मैं ये भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता कि ब्रेक्जिट होगा या नहीं होगा। अगर आप 23 से पहले एक देखिए, मैं अगर मुझे कोई कहना कि लीजिए पैसे और आपको एक ट्रेड करना, मैं एक वैल्यू एट रिस्क लेके थोड़ा बहुत मैं 8150 का स्टॉप लॉस लेके 8300 की कॉल खरीद के बैठूंगा। मैं फ्यूचर्स को भी नहीं छूंगा क्योंकि फ्यूचर्स में रिस्क है, कौन जाने कल रात क्या हो जाए, परसों रात क्या हो जाए। तो निफ्टी को थोड़ा सा कॉशियस होकर 8300 के लेवल पे कॉल प्लस करके 8150 के स्टॉप लॉस के साथ खेलिए। और याद रखिए दूसरी चीज, आज जो सबसे बड़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, कल निफ्टी बैंक इसने पॉज लिया, लेकिन कल मेरे को एक चीज दिखाई दी कि 17200 17500 17600 पे जो पुट लॉन्ग कर रहे थे वो बैकफुट पे आए। सो अगर याद रखिए एक घंटा और टिक गया निफ्टी बैंक यही 17700 17750 17760 तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये अप्रोच करे 18000 को। दीपाली जी, तो ये इंडेक्स पर व्यू हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, लेकिन अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के और स्टॉक्स पे जिन पर आज आप फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज वो पूरा स्पेस लाइमलाइट में रहेगा जहां पर FDI का न्यूज फ्लो कल हमने देखा है आते हुए मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले, जिसमें एविएशन है, डिफेंस है, फार्मा है,
डीटीएच है, तो इन सभी पॉकेट पर आपको नजर रखनी है और एक एक करके कमेंट लेते भी हैं। शुरुआत एविएशन से ही कर लेते हैं। कल एक स्ट्रांग मूवर रहा पूरे ही एविएशन स्पेस। आखिरी के घंटों में इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट एक अच्छी मजबूती लेकर क्लोज हुए 100% एफडीआई की खबरों के बीच में। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को अप्रूवल मिला है और वहीं ऑटोमेटिक रूट के जरिए ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में 74% तक एफडीआई को मंजूरी मिली है। और एक और खबर जो स्पेस को ड्राइव करेगी वो ये कि जो मई के पैसेंजर ट्रैफिक के आंकड़े आए हैं वहां पर हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है, 22% ग्रोथ देखी गई है, जिसमें लीड किया है मार्केट शेयर वाइज एज यूजुअल इंडिगो ने। तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। सुब्रा, कल इस खबर के आने के बाद जेट एयरवेज एक ऐसा स्टॉक था जो डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा एक्टिव हुआ था, 6-7% का उछाल लेकर यह स्टॉक क्लोज हुआ था। जो तेजी कल दिखी आज ये बनी रह सकती है, कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई इन स्टॉक्स में वो क्या करें आज? दीपल, आई थिंक कल की जो हमने रैली देखी है पूरा शॉर्ट कवरिंग में हुआ। कल ऑलमोस्ट 14% की ओपन इंटरेस्ट घटी है और कल 6% की यहाँ पर बढ़त देखी है। बट मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर भी एक नए मोमेंटम मिला, क्योंकि ये सब अगर आप देखें तो एविएशन स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी करेक्शंस देखे और उसके बाद कल की जो रैली एक डेफिनेटली प्रॉमिसिंग है। हो सकता है थोड़ी बहुत मामूली से प्रॉफिटिंग है, लेकिन मेरा मानना है कि जेट का अगर एक टारगेट पकड़ कर चलो तो आई थिंक कम से कम 625-650 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। आई थिंक नियर टर्म के लिए थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग, लेकिन 570 का एक स्टॉप लॉस लगा के आई थिंक यहाँ पर लॉन्ग की जा सकती है। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो अगर आप देखिए इसमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट आज जेट एयरवेज हो सकता है। टेक्निकली भी आप देखिए एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड कैंडल रिवर्सल। हालांकि सारे पैरामीटर्स कैंडल रिवर्सल के पूरे नहीं हुए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी मोर लेस के एक बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक एक पलट गया। लेकिन मैं फिर बैंकिंग पे लौटूंगा। सो अपना बैंकिंग में कंफर्ट कहाँ आ रहा है? और देखिए बैंकिंग में जहाँ मुझे कंफर्ट आ रहा है वो है SBI। अब देखिए किसी भी नेगेटिव खबर पर इसकी का रिएक्शन देखिए और नेगेटिव खबर के बाद इसका रिएक्शन देखिए। जरा प्लीज करके इंट्रोडे चार्ट दिखा सके आप एक बार। आप देखिए रेग्जिट का इम्पैक्ट और उसके बाद का इसकी फॉलोअप बाइंग देखिए। इसकी फॉलोअप जो बाइंग हो रही है ना सुब्रा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। सुब्रा, क्या यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना बनता है? और अगर जून में क्लोजिंग ये 220 के ऊपर दे दे तो रोल ओवर भी कर सकते हैं क्या नेक्स्ट सीरीज में? वीरेंद्र, आई थिंक ये अगर इस पर अभी का जो क्षेत्र अभी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है वो तो आई थिंक ये बैंकिंग क्षेत्र और यहाँ पर बीट एंड डाउन स्टॉक्स ऑफकोर्स यहाँ पर SBI की अगर आप बात करें तो ये अपनी ही एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। लेकिन काफ़ी बीट एंड डाउन स्टॉक्स हैं जहाँ पर जैसे बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है, जहाँ पर जबरदस्त पिटाई हुई है। यहाँ सब हम अच्छी खासी अभी शॉर्ट कवरिंग देखने लग रहे हैं और कल के सेशन में भी हमने एक बढ़त देखी है। तो मेरा मानना है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ेंगे ये सब शॉर्ट कवरिंग शायद बदल के लॉन्ग रोल ओवर्स में आ सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ओवर चार्ट भी अगर आप देखें तो काफ़ी ओवर सोल्ड है और मेरा मानना है कि शायद इस लेवल से डाउनवर्ड रिस्क नहीं है। तो आई थिंक बीट एंड डाउन काउंटर्स में काफ़ी स्कोप है एंड डेफिनेटली SBI आई थिंक कम से कम जुलाई सीरीज के लिए डेफिनेटली मोमेंटम रहने की पूरी संभावना है। तो जैसे आपने पूछा कि यहाँ पर रोल ओवर डेफिनेटली की जा सकती है और एक मॉडेस्ट टारगेट भी अगर पकड़े आई थिंक 235-240 वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है।